बुरे फंसे लार्स सुलेवन, किसने कहा कि रोमन रेंज अपना कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, फिन बेलर की इंजरी के बारे में बात करेंगे और मुस्तफ़ा अली ने क्या कहा, इन सभी कमाल की अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं मुस्तफ़ा अली से। जैसा कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड के लिए WWE ने अली का एक सेगमेंट अनाउंस किया हुआ था, जिसमें वो आके रेट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में बात करते, जिसके लिए फैंस भी शायद एक्साइटेड होंगे। बट WWE ने बिना कुछ इन्फॉर्म करे इस सेगमेंट को इस एपिसोड से हटा दिया, जिसपे खुद अली ने रिएक्ट करा और ट्वीट करके कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी सालों अपने सच को बोलने के लिए इंतजार करा है, बट आप सभी को सुनने के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वाले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आपको ये जरा भी पसंद नहीं आता है जब कोई आपसे प्रॉमिस करे और फिर बिना एक्सप्लेनेशन के उसे पूरा ना करे, वाकई काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अली की बातों से लग रहा है कि उनको भी सेगमेंट के हटने के बारे में नहीं पता था, शायद उन्हें बिल्कुल एंड टाइम पे बताया गया होगा। अब देखते हैं आने वाले रॉ में उनका कोई सेगमेंट दिखता है या नहीं। वैसे वो काफ़ी अपसेट हैं उनका सेगमेंट रॉ से हटने के कारण। अब बात करते हैं फिन बेलर के बारे में। जैसा कि फिन बेलर NXT टेकओवर 31 में लड़ते हुए इंजर्ड हुए थे, जहां उनके जबड़े में चोट लग गई थी और 2 फ्रैक्चर हुए थे। जैसा कि मैंने बताया था, उनके अपोनेंट ने रिंग कॉर्नर में जाके रनिंग नहीं मारी थी, जहां वो चोटिल हुए थे। अब फिन बेलर की सर्जरी होनी थी, जो कि रिसेंट में सक्सेसफुल हो गई है। खास बात यह है कि उनके मेन डॉक्टर इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम अनूप पटेल है, जो कि फिन बेलर के साइड में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि फिन बेलर कब तक WWE से बाहर रहने वाले हैं, बट ये काफी मुश्किल है जब कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है। आई होप वो जल्दी ठीक हों और फटाफट रिकवर होकर वापसी करें। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है अलिस्टर ब्लैक के रोमन रेंस के बारे में कुछ कहने से। जैसा कि अलिस्टर ब्लैक स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने रोमन रेंस को लेकर कुछ कहा, जिसमें उन्होंने बोला कि रोमन रेंस WWE में कोई कैरेक्टर नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने इसका रीजन भी बताया और कहा कि रोमन रेंस के लिए मुझे लगता है ये उनके द्वारा किया गया सबसे अच्छा काम है। रोमन रेंस उस सुपर रेयर स्पॉट पर हैं जहां वे अपने कैरेक्टर में इतने कंफर्टेबल हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल 1000% है। सब कुछ इस तरह से पेश किया गया है जो कि सुपर ऑर्गेनिक है। इससे आपको क्या लगता है कि वो एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि वे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को प्ले कर रहे हैं। वही ब्लैक ने रोमन रेंस के मैच लड़ने की भी उम्मीद जताई। वहीं अब बात आती है लार्स सुलेवन की। जैसा कि मैंने कल की एक वीडियो में बताया था कि लार्स सुलेवन कैसे एक कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं, जहां उन्होंने अपनी ऑनलाइन योगा टीचर को कुछ अनशन मैसेज कर दिए थे। अब आप सभी को बता दूं, वो योगा टीचर इंडियन है और शायद अमेरिका में सेटल्ड है। अब लार्स सुलेवन ने जो करा वो WWE की पॉलिसीज के खिलाफ है। इससे पहले भी हम कुछ सुपरस्टार को WWE से इस तरह की हरकतों के लिए सस्पेंड होता देख चुके हैं, बट WWE ने अभी तक लार्स सुलेवन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया है। अब लार्स सुलेवन की इस हरकत से फैंस काफी नाराज हैं, बट फैंस विंस मैकमैन के ट्विटर पर जाके विंस मैकमैन से ही पूछ रहे हैं कि लार्स अब तक शो पे कैसे टिका हुआ है और पूछा कब बाहर कर रहे हो उसको। वहीं आप सभी को बता दूं, लार्स विंस मैकमैन के फेवरेट में से एक है। वहीं WWE कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि भाई लार्स सुलेवन ने जून 2019 के बाद इंजरी से रिकवर होकर वापसी करी है, जिसको कि काफ़ी टाइम हो गया है, और फिर बाहर हुए तो WWE के सारे प्लान बेकार हो जाएंगे। अब देखते हैं WWE कोई साइलेंट पनिशमेंट देती है या हर स्टार की तरह लार्स सुलेवन पर भी कोई बड़ा एक्शन लेती है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।